देखिए आज जिस तरह कोरोना महामारी चल रही है और लॉकडाउन हो रहा है, तो काफ़ी गरीब परिवार के लोग हैं, जैसे यानी ठेले वाले, जिन ये जो चाट कचौड़ी वाले, वड़े पाव वाले, उनका काम धंधा बिल्कुल बंद है और वो बहुत लोग तकलीफ़ में हैं। तो आज स्मार्ट अजमेर की तरफ से हमने 30 परिवारों को कच्ची खाद्य सामग्री बांटी है, जिसमें 5 किलो आटा है, आलू प्याज है, दाल चावल है। और ये आज हमने श्रीनगर स्थित वहाँ पे सब परिवार वालों को, एक एक जनों को बुलाया, कोरोना गाइडलाइन और सोशल मेंटेन डिस्टेंस करके अलवे गेट के जो रितेश जी हैं हैंड कॉन्स्टेबल, उनके साथ मिलकर हमने 30 परिवार को खाद्य सामग्री बांटी है और आगे भी ऐसा हमारा कार्यक्रम निरंतर जारी रहेगा। मैं संस्था के संस्थापक हरिराम कोटवान जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, जो इस कोरोना महामारी में वो गरीबों के लिए आगे आ रहे हैं और वो साधुवाद के पात्र हैं। सोना धनवानी। देखिए, जैसा कि सबको मालूम है कि हमारी जो संस्था है स्मार्ट अजमेरियन, वो हमेशा से ही आगे ज़रूरतमंदों के लिए और उनकी ज़रूरतों के लिए सेवा करने के लिए हमेशा आगे तैयार रहती है। इसी क्रम में जो कोरोना महामारी का जो काल चल रहा है, इसमें लोगों के ऊपर पाबंदियां लगाई जा रही है कि भाई बाहर नहीं निकल सकते, तो उनको जो गरीब लोग हैं या जो ज़रूरतमंद लोग हैं, जो ठेला चलाने वाले हैं, जो रोज़ कमाते हैं, मज़दूर हैं, दिहाड़ी मज़दूर हैं, ऐसे हमने कुछ घरों को चिन्हित किया था और उनको एक जगह बताई, राजा साइकिल श्रीनगर रोड पर एक जगह पे बताया कि भाई वहाँ पे सुबह आ जाएं और लिमिटेड नंबर में, मतलब एक सुविधाजनक उसके हिसाब से लाए। और हमने पुलिस प्रशासन का भी इसमें सहयोग लिया है, जिसमें रितेश जी ने बहुत अच्छा सहयोग दिया और लोगों को थोड़ा सा दूर दूर करके खड़ा करने में काफ़ी सहयोग किया। इसी क्रम में हमने उनको राशन सामग्री का वितरण किया, जिसमें हमने आटा, दाल, चावल, आलू और प्याज का एक सेट बना के दिया है, जो कि 15 से 20 दिन के लिए सफिशिएंट है किसी एक परिवार के लिए। तो इसी क्रम में हम लोग आगे भी निरंतर इस तरीके की सेवाएं जारी रखते रहेंगे और कोरोना काल के अंदर जो भी पाबंदियां लगाई गई हैं उनके अनुसार, उनकी पालना करते हुए ही हमारे द्वारा ये सेवा कार्य किया जाएगा। और इसमें जो हमारे संरक्षक हैं हरिराम जी, उन्होंने बहुत अच्छा सहयोग दिया है और वो हमेशा समर्पित रहे हमारी संस्था के लिए, हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। तो हम आगे भी भविष्य में उनसे ये उम्मीद करते हैं कि वो हमारे जो भी प्रोग्राम होंगे समाज सेवा के, उनमें हमें सहयोग देते रहेंगे और हमारा साथ देते रहेंगे। धन्यवाद। एडवोकेट गुलजीत सिंह छाबड़ा, उपाध्यक्ष द स्मार्ट अजमेरिया।